हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिताज किचन। आज हम बहुत ही टेस्टी और इजी साबूदाना खीर बनाने वाले हैं। उसके लिए एक बर्तन में आधा लीटर दूध डाल लीजिए और आधा लीटर पानी डालकर उबाल लीजिए। एक कढ़ाई में घी डालकर मेल्ट करने के बाद उसमें काजू और किशमिश डालकर फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद इसे एक कप में ट्रांसफर कर लीजिए। फिर 75 ग्राम साबूदाना डालकर फ्राई कर लीजिए। साबूदाना इस तरह बड़ा होने तक फ्राई कर लीजिए। अब इसे एक कप में ट्रांसफर कर लीजिए। इसी समय में दूध उबल गया है। अब इसमें फ्राई किया गया साबूदाना को डालकर 15 मिनट तक कुक कर लीजिए। अब इसमें एक चुटकी नमक और रेड फूड कलर डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। पकने के बाद साबूदाना इस तरह बड़ा हो जाएगा। अब इसमें एक कप चीनी डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। फिर फ्राई किया गया काजू और किशमिश डालकर मिला लीजिए। पांच इलायची को कुटकर डाल लीजिए। बस हमारा साबूदाना खीर सर्व करने के लिए तैयार हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करना ना भूलिए। सब्सक्राइब और पास में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।